जमशेदपुर ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ का 3 दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जहां इस टूर्नामेंट का उद्घाटन ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ के डीआईजी संजय कुमार ने किया। मौके पर कमांडेंट 106 रैफ निशित कुमार, जेआरडी के स्पोर्ट्स हेड आशीष कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। टूर्नामेंट में जमशेदपुर और रांची से कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में 120 खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों का भाग्य आजमाएंगे। 3 दिनों तक चलने वाला यह टूर्नामेंट काफी रोमांचक होगा। कार्यक्रम के दौरान परेड भी निकाली गई, जिसकी सलामी ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ के डीआईजी संजय कुमार ने ली। डीआईजी संजय कुमार ने कहा कि सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेल खेले, विजेता और उपविजेता टीमों को 19 अगस्त को पुरस्कृत किया जाएगा। यहां बास्केटबॉल टूर्नामेंट में अच्छे खिलाड़ियों को आगे आने का मौका भी मिलेगा। प्रत्येक वर्ष सभी खेलों का, जो हमारे झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ है, उसके अंतर्गत जो बटालियंस हमारी हैं और जो 2 ग्रुप सेंटर हैं, उनके बीच में प्रतियोगिता होती हर खेल। तो अभी ये बास्केटबॉल टूर्नामेंट कराने की जिम्मेवारी हमारे ग्रुप के अंदर जमशेदपुर को दी गई है, उसी का आयोजन और शुभारंभ आज हो रहा है। इसमें कुल 20 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 18 बटालियंस की टीमें हैं और एक टीम ग्रुप केंद्र जमशेदपुर और एक टीम ग्रुप केंद्र रांची। प्रतियोगिता आज आरंभ हो रही है, 19 तारीख की शाम को इसका समापन। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।